सुनो, देखो बाहर कौन है, बाहर देखो कौन है। रात के 2 बजे, इतनी रात गए कौन हो सकता है संजना? तुम्हारा कोई पेशेंट ही होगा, जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं और तुम भी 100-200 रुपए के लिए उनके पीछे भागते रहते हो। क्या करूं, मेरा जॉब ही ऐसा है संजना। यस डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। हाँ मेरा ही नाम है, मैं आपको आगाह करने आया हूँ। किस बात के लिए आगाह करने आए हो? कल सुबह आप केवल सिन्हा नाम के आदमी की लाश का पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी मौत जहर से हुई है और आप अपनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल सही और ईमानदारी से देंगे। इतनी सी बात बताने के लिए तुम्हें यहाँ इतने रात गए आने की जरूरत क्या पड़ी? ये समझाने के लिए मैं इतनी रात गए आ सकता था, कल सुबह मुलाकात मुश्किल हो जाती। एक बार फिर से आगाह करता हूँ डॉक्टर, रिपोर्ट बिल्कुल सही और ईमानदारी के साथ बनाइएगा, वरना वरना आप लोग? हम आप ही से मिलने हैं डॉक्टर, यह है रानी और मैं राज। मगर आप लोगों का मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट के लिए वक्त की जरूरत होती है डॉक्टर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत कम है, यह आप लोग पहले क्यों बुझा रहे हैं? ए मिस्टर, कम टू द पॉइंट। तो पॉइंट की बात सुनो डॉक्टर, अभी थोड़ी देर में तुम एक आदमी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले हो और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तुम्हें लिखना है कि उस आदमी की डेथ नेचुरल है, दैट्स ऑल। और उसका नाम केवल सिन्हा है। केवल सिन्हा? लेकिन उसकी मौत तो जहर देने से हुई है। लेकिन आपको कैसे पता उसकी मौत जहर से हुई है? अभी अभी पहुंच रहे स्टाफ से मुझे पता चला कि लाश नीली पड़ गई, इसलिए मुझे शक हुआ कि मौत जहर देने से हुई। आपका शक ठीक है डॉक्टर, उसे जहर हमने दिया था। पुलिस को यहां तक आने में देर लग सकती है डॉक्टर, लेकिन गोली चलने में नहीं। ऐसा ना हो पुलिस के पहुंचने से पहले कोई और डॉक्टर तुम्हारा पोस्टमार्टम कर रहा हो। आदमी बहुत समझदार हो और हम तुम्हारी समझदारी की कीमत अदा करेंगे। पूरे 5 लाख है सिर्फ ये लिखने के लिए कि केवल सिन्हा की मौत नेचुरल हुई है। लेकिन आप लोगों का मरने वाले से क्या रिश्ता है? केवल मेरा पति था और ये प्रेमी।
राजप्रेमी। थैंक यू डॉक्टर। करने आया हूं, कल सुबह आप केवल सिन्हा नाम के आदमी की लाश का पोस्टमार्टम करेंगे। उसकी मौत जहर से हुई है। रिपोर्ट बिल्कुल सही और ईमानदारी के साथ बनाइएगा, वरना क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसा लग रहा है संजना, जैसे कल रात से मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कल रात जो आदमी आया था, हाँ, आज मैं उसी की लाश का पोस्टमार्टम करके आ रहा हूं। क्या? हाँ, वो आदमी रात को 2 बजे आया था, याद है ना? हाँ। आज सुबह जब मैंने उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस आदमी की मौत रात को 10 और 12 बजे के बीच हुई होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर उसकी मौत रात को 10 से 12 बजे के बीच हुई है तो यहाँ 2 बजे कैसे आ सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये ब्रीफ केस किसका है? इतने सारे रुपए? सब हमारे हैं। हमारे हैं? लेकिन ये आए कहां से? मरने वाले की बीवी ने मुझे दिए हैं। हेलो।
कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? हेलो, ये ढीठ कहीं के? कौन है वहां? कौन है? रानी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों? राज, मैंने केबल को देखा। मैंने उसे खिड़की के बाहर देखा। उसने अपना कांच भी तोड़ दिया। रानी रिलैक्स, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं राज, मैंने कोई सपना नहीं देखा। सपना नहीं तो वहम होगा, तुम्हारे इस अंदर के डर के वजह से। नहीं राज, believe me, please तुम जल्दी आ जाओ। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है राज। ओके, आता हूँ। प्लीज जल्दी आना। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। You take care, darling. You too. और देखो, शाम को जल्दी वापस आ जाना, शॉपिंग के लिए जाना है। याद है, पूरे 5 लाख रुपए आज ही उड़ा दोगी? नहीं, थोड़े बहुत। ओके, बाय। बाय। आगाह करने के बावजूद तुमने गलत रिपोर्ट दी। शहर से हुई मौत को तुमने नेचुरल डेथ बताया। बचोगे नहीं तुम, बचोगे नहीं। मैं तुम्हें बहुत ही भयानक मौत मारूंगा, बहुत ही भयानक। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसा भूत? गले में भूत है, गले में भूत है, केवल केवल सुना का भूत। देखो देखो, तुम मुझे वहां लेके चलो प्लीज। नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। तुम वहां जाओगे तभी तुम्हारा वहम दूर होगा, समझे? चलो चलो चलो। पिछली सीट पर। यहाँ तो कोई नहीं है। अभी अभी तो मैंने उसे यही देखा था, उसने मुझसे बात की थी।
जिंदगी में पहली बार बेईमानी से पैसा कमाया है, इसीलिए आपको ऐसे लग रहा है ये सब आपका वहम है। पर संजना, आप हॉस्पिटल जाइए, आपको देर हो रही है। देखिए घर में रहेंगे तो इसके बारे में यूं ही सोचते रहेंगे। जाइए। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। केवल को तुमने अपने हाथों से जहर दिया था, इसलिए तुम्हारा ये गिल्ट तुम्हें। राज प्लीज, अगर मैंने उसे जहर दिया था तो तुम भी तो उसमें शामिल थे। मेरा यकीन मानो, खिड़की के बाहर केवल का भूत था वो। भूत? रात भर मैं तुम्हारे साथ था, अगर ऐसा होता तो मुझे क्यों नजर नहीं आया? राज, वो मुझे अकेला देखकर मार डालेगा, तुम मेरे पास क्यों नहीं रुक जाते? रानी, मुझे बहुत जरूरी काम है, और तुम ये डर अपने दिल से निकालो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हेलो, हाँ, कम इन। यस सर। हाँ, ये फाइल डीन साहब के ऑफिस में पहुंचा दो। सर, डीन साहब तो नहीं है, वो बाहर गए हैं। तुम बचेगा नहीं, तू, मैं तुझे जान से मार दूंगा, बहुत भयानक मौत मरेगा तू। मेहमान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे, मैं जान से मार दूंगा। जितना भागना चाहे भाग ले डॉक्टर, मुझसे और अपनी मौत से बच नहीं सकता। डॉक्टर, तूने आज तक बहुत सी लाशों का पोस्टमार्टम किया होगा, लेकिन आज तेरा पोस्टमार्टम मैं करूंगा, वो भी जीते जी। Oh!
गया तो? What nonsense? केवल सिन्हा की मौत जहर देने से हुई थी। मेरे पति डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने गलत रिपोर्ट बनाई थी, क्योंकि जिन लोगों ने केवल सिन्हा को मारा था उन्होंने मुझे और मेरे पति को जान से मार डालने की धमकी दी थी। तो आपका ये मानना है कि गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की वजह से केवल सेना के भूत ने आपके पति का कत्ल किया? जी, उन्होंने मेरे पति को आगाह किया था, लेकिन पहला हादसा कब और कहां हुआ था? केवल सेना के पोस्टमार्टम करने के अगले दिन मेरे पति ने केवल सेना का भूत अपने कार में देखा था। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये केवल उनका वहम है, लेकिन मैं क्या जानती थी कि ये सच था। और वो भूत एक दिन उनकी जान ले लेगा। तो ये थे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भारत, मरहूम डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव की पत्नी संजना श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर श्रीवास्तव की अजीबोगरीब कत्ल की तफ्तीश इंस्पेक्टर भारत कर रहे हैं। विज्ञान के इस युग में वैसे तो लोगों का भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है, पर डॉक्टर श्रीवास्तव की मौत ने सभी को चौंका दिया है और सोच में डाल दिया है। और जो लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि केवल सिन्हा का भूत उन कातिलों को भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उन्हें जहर दिया। बोल रहे हो ना? कौन कौन बोल रहे हो? धोखेबाज औरत, रात से शादी और मेरी जायदाद के खातिर तूने मुझे जहर दे दिया। तू क्या सोचती थी उसके बाद तू आराम से रह सकेगी? केवल मुझे माफ कर दो। केवल, जिस डॉक्टर को तूने रिश्वत देकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाई थी उसको तो मैंने बहुत ही भयानक मौत दे दी है। तेरी बारी है, मुझे तो मैं उससे भी ज्यादा भयानक मौत दूंगा। बहुत ही भयानक मौत। केवल, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? केवल, तुम तो मुझे बहुत चाहते थे। मैं जीना चाहती हूँ। केवल, मुझे माफ कर दो। केवल, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। बात है रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मुझे मत मारो केवल, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती केवल। नहीं, नहीं, नहीं। रानी, ये तुम्हें क्या हो गया? केवल, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती केवल। मैं मरना नहीं चाहती। रानी, होश में आओ, होश में आओ रानी। मैं मरना नहीं चाहती रानी। रानी, होश में आओ।
होश में तो हो? मुझे बचा लो राज, केवल का भूत मुझे मार डालेगा। उफ, फिर वो केवल का भूत, पागल हो गई हो तुम? सच, उसका फोन आया था, उसने उस डॉक्टर को मार दिया जिससे हमने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाई थी। रानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं सिर्फ आराम की जरूरत है। मेरा यकीन करो राज, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, वरना वो मुझे मार देगा। रानी प्लीज रिलैक्स, बहुत हो गया सब। राज तुम्हें यकीन नहीं आता तो पुलिस स्टेशन फोन करो। डॉक्टर की बीवी और इंस्पेक्टर भारत को टीवी पर दिखाया था और सबका यही कहना है कि केवल के भूत ने ही उस डॉक्टर को मारा है। क्या इंस्पेक्टर भारत का भी यही कहना है? हाँ। तब तो हमें कुछ करना होगा। बड़ी अजीब बात है मिसेस सिन्हा, स्ट्रेंज। डॉक्टर आलोक की पत्नी का कहना है कि आपके पति के कातिल ने डॉक्टर आलोक को मारने की धमकी दी और उनसे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाई। केवल की मौत जहर देकर हुई थी, जबकि आपका कहना यह है कि केवल की नेचुरल डेथ थी। जब केवल की नेचुरल डेथ हुई तो फिर भूत ने डॉक्टर आलोक का कत्ल क्यों किया? बड़ी अजीब बात है इंस्पेक्टर, आप जैसा आदमी भूत प्रेत पर यकीन रखता है? यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं हैरान कि किस पर यकीन करूं, डॉक्टर आलोक की पत्नी पर जिन्होंने बताया कि केवल के कातिल ने डॉक्टर साहब को यह बताया था कि खुद उसने केवल को जहर देकर मारा था, या फिर मिसेस रानी सिन्हा पर? केवल की मौत नेचुरल हुई थी। मामला बड़ा पेंचीदा होता चला जा रहा है। बाय द वे, आप लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि कोई अनजान आदमी इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। अनजान आदमी या फिर केवल का भूत? फिर वही भूत। बाय द वे, अगर आपके पति की मौत वाकई जहर देकर हुई थी तो आपके हिसाब से उन्हें जहर कौन दे सकता है? उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मुझे लगता है कि कहीं आप ही ने तो अपने पति को जहर नहीं दिया। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। वैसे आपके अलावा उन्हें जहर और दे भी कौन सकता था? हाँ, ये भी एक बात है कि अगर आपने उन्हें जहर दिया होता तो वो भूत डॉक्टर से पहले आपका कत्ल करता। इंस्पेक्टर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है और आप खामखा मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। घबराइए मत मैम, इल्जाम लगा देने से अदालत सजा थोड़ी ना सुना देती। एनीहाउ, फिलहाल मैं चलता हूँ। बाहर मैंने दो कांस्टेबल तैनात कर दिए हैं आपकी खास सुरक्षा की। मिस्टर राज, अगर आप यहां रात रुकने वाले हैं तो मिसेस रानी सिन्हा को पुलिस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? या फिर आपको भी भूतों से डर लगता है? ना तो मुझे भूतों से डर लगता है इंस्पेक्टर, और ना मैं यहां रात को रुकने वाला हूं। चलिए, गुड नाइट मिसेस रानी सिन्हा। गुड नाइट। आइए चलिए।
मिस्टर प्रेमी, आपके और रानी जिन्ना के नाम का यूएसए वीजा मिल गया है। ओह एक्सलेंट। अच्छा ये बताइए कि यूएसए की अगली फ्लाइट कब की है? जी कल रात की। ओके, आप एक काम कीजिए, यूएसए की दो टिकटें कल के लिए कंफर्म करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुशखबरी रानी को दे रहे हो? जो शराब तुमने पी है उसमें जहर है। मौत की दहशत बहुत ही भयानक होती है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। इसका मतलब उसमें जहर नहीं था? नहीं, शराब में सिर्फ दहशत थी। पहले मैं उसे मारूंगा जिसकी जिंदगी में तुम आए और मैं इस दुनिया से गया। रानी, इंस्पेक्टर, आप यहां कैसे? जो आप नहीं थे तो मैंने सोचा कि हिफाजत का जिम्मा मैं ही उठा लूं। लेकिन रानी कहाँ है? अपने बेडरूम में है। आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने केवल के भूत को देखा है। वो मुझे और रानी को मार डालना चाहता है। रानी जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलिए वरना हमको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पीछे के दरवाजे से ट्राई करते हैं, चलिए। बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, राज, तू मुझे मार डालेगा। रिलैक्स रानी, रिलैक्स। कौन मार डालेगा भाई? केबल का भूत। वो कहाँ है भूत? बेडरूम में। अंदर तो कोई नहीं। कोई नहीं है। इंस्पेक्टर, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। देखो, उसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गला दबाने की कोशिश की। देखो ये निशान, देखो वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगा। इंस्पेक्टर, क्यों मार डालेगा? आखिर उसकी आप लोगों से क्या दुश्मनी? मैंने उसे जहर देकर मार डाला इंस्पेक्टर। रानी। हाँ हाँ इंस्पेक्टर, मैंने उसे मार डाला। रानी।
मैंने उसे जहर दिया है। मैंने और राज ने मिलकर उसे मार डाला। रानी, वो हमें मार डालेगा इंस्पेक्टर, हमें बचा लो इंस्पेक्टर, वो हमें मार डालेगा। बस बस यही सुनना था मुझे। That's it. अब वो भूत आप लोगों का कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मिस्टर भूत, चलिए बाहर आ जाइए। फिर इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था। शक के बिना पर मैं आप दोनों को अरेस्ट तो कर सकता था, लेकिन अदालत में सजा नहीं दिलवा सकता। एंड नाउ मैं जादू मंत्र से आप लोगों के सामने एक और भूत पेश करता हूं। मुझे जिंदा देखकर मैं भी डर से मर गया होता उस दिन। ₹5,00,000 की लालच के लिए और मौत के डर से तुमने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बदल दी, लेकिन अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। समझ गए डॉक्टर? और फिर शेखर को भूत बनाकर, डॉक्टर साहब की झूठी मौत की खबर फैलाकर, टीवी पर मिसेस आलोक श्रीवास्तव का इंटरव्यू दिखाकर मैंने आप लोगों को इतना खौफ ज्यादा कर दिया, इतना दहशत फैला दिया आप लोगों के मन में कि आप खुद बखुद अपने जुर्म कबूल करें, और आप लोगों ने किया। मिसेज आलोक श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। आपने पुलिस की इतनी मदद की, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। एंड डॉक्टर साहब, आप जुर्म तो आपने भी किया है। हाँ, लेकिन पुलिस की मदद भी की है दूसरी तरफ। अब आपके साथ क्या सुलूक किया जाए इसका फैसला अदालत करेगी। एंड नाउ मिसेस रानी केवल सिन्हा एंड मिस्टर प्रेमी, ओह सॉरी, मिस्टर राज प्रेमी, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट।